हमेशा की तरह सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, 2 सेकंड तो लगेंगे। 700 करोड़ रुपए से बनी एक ऐसी फिल्म जिसका सिंगल कॉपी डायरेक्टर के घर में बेड साइड टेबल पे रखा हुआ है अनरिलीज्ड, और 5 रुपए के सिक्के से इनफाइनाइट मनी ग्लिच, सुन के चौक जाओगे आप। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से, जैसे कि 100 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर है एरर, अनडिफाइंड। कैसे? और फास्ट फैशन ब्रांड्स और उनका ईगो इक्वल टू पॉल्यूशन, और सन डिब्रिस टू अर्थ ड्यूरेशन, और केला ही असली राजा है, और द मिस्ट्री ऑफ टीवी पिकअप, ये वाला फैक्ट सुनने से ऐसे दिमाग खुलेगा आपका, और द मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन इन द वर्ल्ड, और अल्फाबेट की पॉसिबिलिटीज, रेफरेंस डॉक्टर स्ट्रेंज, और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का सर्जरी से क्या लेना देना है, ऐसे ही कई रैंडम फैक्ट्स को आप जानोगे जिसपे आपको यकीन नहीं होगा। लेट्स बिगिन। 700 करोड़ लॉस। सोचो, आपने तय किया एक फिल्म बनाने का, उस फिल्म में आपने अपने पिताजी के 50 लाख रुपए लगा दिए, या फिर अपने 20 लाख रुपए लगा दिए, फिल्म बन गया, प्रमोशन हो गया, प्री मार्केटिंग हो गई, और एंड दिन आपको कैंसल करना पड़ा किसी भी रीजन के चलते, चाहे वो लीगल रीजंस हो या कोई सोसाइटी का रीजन हो, लेकिन कैंसल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा? तो आपने वो मूवीज तो देखा ही है जो कि रिलीज होते हैं हॉल्स में, लेकिन आप उन मूवीज के बारे में अनअवेयर हो जो कि निकले ही नहीं है किसी न किसी कारण के चलते। इन्हें अबैंडन्ड और अनफिनिश्ड फिल्म्स कहा जाता है। और ये देखो लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोस्ट एक्सपेंसिव अबैंडन्ड फिल्म्स का, यानी जिन्हें बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा हो। जैसे बैट गर्ल, ये मूवी बना था साल 2022 में, टोटल 720 करोड़ रुपए मूवी को बनाने में लगे थे, लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ। और बाकी लिस्ट भी आप देख सकते हो, 200 करोड़ वाले मूवीज भी अनरिलीज्ड हैं, यानी जो प्रोडक्शन टीम है उनके पास इसका डीवीडी या फाइनल कट रेडी होगा, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाया किसी न किसी लीगल या सोशल रीजन के चलते। ये बहुत ही गजब बात है। और इसमें जो ये सवाल होता है कि कोई मूवी बनी और रिलीज नहीं हुई तो लॉस किसका है, तो देखो जो क्रू काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और जो एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं उनको तो पेमेंट मिल जाता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, जो पैसा लगाते हैं अपना, लॉस उनका होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई मूवी का ट्रेलर निकलता है, उस ट्रेलर पे पब्लिक का ऐसा बैकलैश आता है कि वो मूवी रिलीज ही नहीं होती। ये सब कारणों के चलते मूवीज नहीं रिलीज होती। सुपरमैन सीरीज में आप लिस्ट में देख सकते हो लास्ट वाला, सुपरमैन लाइव्स भी 200 करोड़ में बना था लेकिन रिलीज नहीं हुआ था। इनफैक्ट इंडिया में भी कई ऐसे मूवीज है जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, रेडी टू रिलीज है, लेकिन अनरिलीज्ड है, और उनका आप नाम ये देख सकते हो, ए से ये है, बी से ये है, सी डी ई, सबका नाम आप देख सकते हो। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन, आपको पता है जितने दवाइयां है हमारे वर्ल्ड में उसमें सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है? वो है हेमगेनिक्स। ये है वर्ल्ड का सबसे खर्चीला मेडिकेशन, और ये किस बीमारी में यूज होता है? हेमोफीलिया बी। हेमोफीलिया इस वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, आपको सुन के ही हॉरर फील होने लगेगा, लेकिन ये बहुत रेयर है। जब भी आपके हाथ में या शरीर के किसी भी पार्ट में कट जाए और खून निकलने लगे तो वो कुछ देर में ठीक हो जाता है, वो कट पार्ट हील हो जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। लेकिन ये हेमोफीलिया और हेमोफीलिया बी वही बीमारी है जिसमें शरीर का कोई भी पार्ट कट जाए तो वो खून बंद ही नहीं हो पाता है और ब्लीडिंग हमेशा कंटिन्यू ही रहता है, जिससे कि ब्लड लॉस बहुत हाई मात्रा में होता है। यानी ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा चाकू से कट जाए तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है ताकि खून ना निकले। एक ऐसा जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है ये, ज्यादातर लोगों को ये बचपन से ही होता है। तो ये जो हेमगेनिक्स दवाई है इसकी कॉस्ट आप सुन के चौंक जाओगे, ये बीमारी को अच्छे से ट्रीट करने का जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो है करीब $3.5 मिलियन, यानी करीब 30 करोड़ रुपए। सोचो आप कितने लकी हो अगर आपको ये डिजीज नहीं है तो। मतलब ये सब चीजें जान के हमें तो यही जानने मिलता है कि सबसे बड़ा वेल्थ तो हेल्थ है। क्या करेंगे 1000 करोड़ का जब चल ही नहीं पाएंगे, ना ठीक से हाथ हिला पाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों में से 99% लोग अग्री करते होंगे इस बात पे कि हेल्थ इज वेल्थ। अल्फाबेट पॉसिबिलिटीज, रेफर डॉक्टर स्ट्रेंज। ये बहुत ही डीप सा मस्त सा कैलकुलेशन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसको पूरा जेड तक लिखो। तो ए से जेड तक अगर हम प्रॉपरली लिख लिए तो ये लिखने का एक ऑर्डर हो गया। हाँ, सही ऑर्डर,
ए बी सी से लेके जेड। अब मान लो जेड से शुरू किए उल्टा, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। अब मान लो सी से शुरू किए तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो मात्र 26 अल्फाबेट्स हैं, इसमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं? क्या आप बता सकते हो? अगर ए बी सी डी में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको अगर आप एक एक करके पढ़ोगे, तब आपको जितना धरती का उम्र अभी तक हुआ है, यानी 4 बिलियन ईयर्स, उसको इंटू 10 कर दो, 42 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को पढ़ने के लिए। लेट इट डाइजेस्ट, ये फैक्ट आम फैक्ट नहीं है कोई। देखो 26 अल्फाबेट्स हैं, और इस पूरे बात का मैथ्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम यूजेस रिसर्च ऑन सर्जरी मोटिवेशन। अभी की जो जेन जी जेनरेशन है, यानी गेंडू जेनरेशन, उसके ऊपर स्टडीज होते रहती है कि आजकल के यूथ के माइंड में चलता क्या है। तो उसी के ऊपर एक रिसेंट स्टडी हुई है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। और ये देखो क्या लिखा हुआ है। इंडिविजुअल्स हु स्पेंड कंसिडरेबल टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम आर मोर लाइकली टू कंसिडर अंडर गोइंग कॉस्मेटिक सर्जरी। यानी जो लोग सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनके अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी का अर्ज आता है, और वही लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम यूजर्स लिंक्ड टू इंक्रीज्ड डिजायर फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी। आपको क्या लगता है, ज्यादातर जो एक्टर मॉडल ये होते हैं, ये नेचुरल होते हैं क्या? घंटा पता नहीं, मॉडल्स को लगता है कि ये जाके अपना लिप्स पे सर्जरी करा लेंगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन जो ट्रू मेन होंगे, उनको पता होगा कि नेचुरल ब्यूटी, एक फेस का शेप का ब्यूटी ही ट्रू ब्यूटी होता है। बट आजकल की जेनरेशन, यू नो, 100 divided by 0। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ऑब्जर्व किया होगा आपने कि जब आप 1 into 1 कैलकुलेटर में करते हो तो 1 आता है। एकदम सबसे सिंपलेस्ट मैथ ये है 1 into 1, नो डाउट। लेकिन अभी देखो, अगर आप 1 को 0 से इंटू करते हो तो 0 आता है। इनफैक्ट 1 lakh को भी अगर 0 से इंटू करोगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 नथिंग होता है, नथिंगनेस ही 0 होता है। लेकिन अगर आप किसी नंबर को, जैसे कि 100 ले लो, इसको अगर 0 से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर में एरर शो कर देगा। यानी यही एक ऐसा इकलौता मैथ्स है जिसका कोई मतलब नहीं है, और क्या होता है वो अभी तक भी कोई पता नहीं कर पाया है। तो एक्चुअल में इसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड है। जी हाँ, UNDEFINED, ये राइट आंसर है। किसी भी नंबर को, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, 500 हो, किसी को भी अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं आता है, एरर आता है। और एक चीज, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 नहीं आता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि 0 आएगा ना, लेकिन नहीं। ज्यादातर मैथमेटिशियंस यही बोलते हैं कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट 0, वो अनडिफाइंड है। आप गूगल का कैलकुलेटर यूज कर लो, उसमें अनडिफाइंड आंसर आएगा। आईफोन वाला कैलकुलेटर यूज करो, एरर दिखा देगा। दैट्स गजब, 5 rupees एंड इनफिनिट मनी ग्लिच। ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है हमारे दुनिया के बारे में। देखो, अगर किसी भी चीज में 1 rupee का भी फायदा हो तो वो एक तरह से इनफाइनाइट मनी ग्लिच की तरह है। मान लो कि आप कोई पत्तल बना रहे हो और वो बेच रहे हो 5 rupees में, और उसको बनाने का खर्च आया 3 rupees, तो यहाँ पर आपका 2 rupees का फायदा है, प्रॉफिट है। यानी यहाँ पर एक मनी जेनरेशन अपॉर्चुनिटी है, एक मनी ग्लिच है मान सकते हो। अगर आप 1 crore बेच दो पत्तल, तो 1 crore into 2 rupees, 2 crore आपने कमा लिया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बेसिकली बिजनेस कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे अपॉर्चुनिटी आ जाते हैं जो कि ऑफकोर्स इलीगल होते हैं, लेकिन वो काम लोग बहुत करके ऑलरेडी फायदा उठा चुके होते हैं। किसने फायदा उठाया, क्या करके फायदा उठाया, आप सोच रहे होंगे, बताता हूँ। याद है आपको वो 5 rupees का सिक्का, मोटा वाला 5 rupees का सिक्का? आपने बचपन में जरूर देखा होगा इसको, मैंने भी इसको बहुत यूज किया है। तो मुझे लगता ही था कि बाकी सिक्के पतले पतले होते हैं, लेकिन ये 5 rupees वाला बहुत मोटा होता था, याद होगा आपको अच्छे से। ये लगता था कि एकदम हट्टा खट्टा सिक्का है 5 rupees का, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही अजीब प्रॉपर्टी थी। इस मोटे सिक्के का वैल्यू तो 5 rupees था, इससे आप 5 rupees का बिस्किट खरीद सकते हो, चॉकलेट खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मोटा था, तो इसका जो मेटल था, इसके अंदर का जो मेटल पदार्थ था, वो ज्यादा का था एक्चुअल में। यानी लोग क्या करते थे पता है, लोग इल्लीगली कॉइन को गलाते थे, और गलने के बाद एक 5 rupees के सिक्के से 6 razor blade बन जाते थे।
सकें। रेजर ब्लेड जो पतले पतले होते हैं जो कि शेविंग में लोग यूज करते हैं, वही वही नॉर्मल ब्लेड 6 पीस बन जाता था 5 रुपए के सिक्के से, और एक ब्लेड 2 रुपए में बिकता था, यानी 6 पीस इंटू 2 12 रुपए का प्रोडक्ट बन गया। यानी किसी के पास 5 रुपए का सिक्का है तो उसी 5 रुपए से वो 12 रुपए कमा सकता है, यानी 7 रुपए का प्रॉफिट। खर्चा तो 5 ही रुपया है ना, कॉइन का खर्चा और क्या, लेकिन उसी से अगर 12 रुपए का सामान बन रहा है, यानी 7 रुपीज पर सिक्का, और ये हो गया एक इनफिनाइट मनी ग्लिच। तो बहुत लोग जगह जगह से 5 रुपए का सिक्का कलेक्ट करके इसका फायदा उठाने लगे इल्लीगली। वैसे बता दूं, कॉइन को मेल्ट करना इल्लीगल है, लेकिन ये बहुत लार्ज स्केल में हो रहा था। लेकिन फिर इवेंचुअली जो होना था वो हुआ, सरकार को पता लगा, जो लोग ये कर रहे थे उनमें से बहुतों को अरेस्ट किया गया, और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने 5 रुपए के सिक्के का डिजाइन और स्पेशली वो मोटापन जो कि अननेसेसरी था, उस मोटापे को कम किया, और इसके अंदर जो मेटल था प्योर मेटल जिससे कि ब्लेड बन जाता था वो ना बने, इसलिए मेटल के साथ साथ और बहुत आर्टिफिशियल चीजों को डाला गया ताकि इससे लूप होल ना क्रिएट हो जाए। यानी 5 रुपए के सिक्के से 6 रुपए का चीज नहीं बनना चाहिए। 5 रुपए के सिक्के से 4 रुपए का चीज बना तो वो सेंस बनाता है, तब तो वो लॉस में रहेगा, लेकिन ज्यादा का नहीं बनना चाहिए। तो सरकार ने फाइनली ये किया, और यही कारण है कि आजकल के 5 रुपए के सिक्के पतले छपरियों की तरह होते हैं। जब मैंने इस केस के बारे में सुना तो मेरा एक्सप्रेशन एकदम ऐसा था, ब्रांड्स एंड ईगो इक्वल टू पॉल्यूशन। आपको पता है सबसे इविल कंपनीज किसको कहा जाता है? फास्ट फैशन ब्रांड्स को। और आपने ये फैक्ट हजारों बार सुन लिया होगा कि ये ब्रांड्स अपने कपड़ों को जला देते हैं, ये लोग का टाइम खत्म हुआ बस जला देंगे, लेकिन डिस्काउंट में नहीं बेचेंगे, ताकि इनका ब्रांड का वैल्यू मेंटेन रहे, एक साइकोलॉजिकल वैल्यू। तो इसी के चलते फास्ट फैशन ब्रांड्स को ब्रांड्स विथ ईगो कहा जाता है, और ऐसे कई कंट्रीज है यूरोप में जहां पर ये प्रैक्टिस बंद है। तो ये चीज को भी बायपास करने का वो लोग नियम निकाल चुके हैं। वो लोग अपने कंट्री को ये कहते हैं कि हम ये स्टॉक दूसरे कंट्री में ले जा रहे हैं बेचने के लिए, और दूसरे कंट्री में जहां कपड़ा जलाना इल्लीगल नहीं है वहां जाकर जला देते हैं। वाह रे भाई, जितना पॉल्यूशन फैक्ट्री से नहीं होता उतना अननेसेसरी पॉल्यूशन इनके कपड़े जलाने से होता है। फैशन फैशन करके धरती को ही नष्ट कर रहे हैं ये लोग। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम डीएम और यूट्यूब कमेंट्स में ये पूछा है कि आईफोन 16 आ रहा है साल 2024 में, तो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? तो इसके लिए मेरा ओपिनियन वही है जो कि एक गार्डन में उगे यूजलेस घास के लिए होता है। देखो, एप्पल अच्छी कंपनी है, ठीक है, आईफोन मैं भी यूज करता हूं, लेकिन हर साल आईफोन को अननेसेसरी अपडेट करने में मैं यकीन नहीं रखता। ना इनके डिजाइन में कोई खास चेंजेस आते हैं और ना ही फंक्शन में। हर साल इनको 1.5 लाख दो, हाँ ये साल आ गया लीजिए एप्पल 1.5 लाख, अगला साल आया लीजिए एप्पल फिर से लीजिए 1,80,000, उसके अगला साल आया लीजिए एप्पल महाराज ये लीजिए 2 लाख, यही करते रह जाएंगे जिंदगी भर। तो आईफोन यूज करो, कूल है, लेकिन लेटेस्ट में आना जरूरी नहीं है। उसे अच्छा मैं स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में लगा दूं अपना पैसा, ताकि कुछ साल में वो ग्रो हो जाए। आप में से जो अवेयर होंगे वो डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि लॉन्डा सही कह रहा है। सन डेब्रिस टू अर्थ ड्यूरेशन। अगर सन अभी एक्सप्लोड करता है किसी भी कारण के चलते तो वो हमें नहीं दिखेगा 8 मिनट बाद। यानी प्रकाश को, लाइट को जितना समय लगता है सूरज से धरती पे आने में, यानी 8 मिनट, उतना देर लगेगा हमें ये रियलाइज होने में कि सन को कुछ हो गया है। हम लोग देखेंगे सन की तरफ तो वो फैल रहा होगा, धीरे धीरे फैल रहा होगा। तो लाइट आने में 8 मिनट लगता है, ये तो सही है, लेकिन जो सन का पूरा बॉडी है वो जब फूलेगा, वैसे मैं बता दूं ये कभी ना कभी होगा जब सन का एनर्जी खत्म होगा तब, तो जब सन फूल रहा होगा और धरती के करीब आ रहा होगा तो उसको कितना समय लगेगा धरती तक पहुंचने में, यानी धरती को अपने ही आग में इनगल्फ करने में? तो इसका उत्तर बहुत नॉवेल है, शायद ही आपने इसके बारे में कभी सुना होगा। इसका आंसर है 22 घंटे। जी हाँ, सन का जो आग है, सन का जो बॉडी है, वो फूलते फूलते जब तक धरती रीच करेगा तब तक 22 घंटे बीत चुके होंगे, यानी 22 घंटे आते आते यहाँ की सारी बिल्डिंग्स गल चुकी होगी। वैसे ये सोच के सही में गूजबम्स आ जाता है कि सन कभी न कभी रेड जायंट में बदलेगा और सारे प्लैनेट्स को निगल जाएगा। जो सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी बॉडी है प्लूटो, क्या आपको पता है उसके भी 5 चांद है, 5 मून है। प्लूटो का सबसे फेमस मून है चेरोन, और बाकी 4 का नाम है निक्स, हाइड्रा, कर्बेरोस, स्टाइक्स।
क्या है ना, ये फैक्ट इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप शायद किसी से मार्स के मून के बारे में पूछ लो तो शायद वो बता देगा हाँ मंगल ग्रह का दो मून है फोबोस और डेमोस। पॉपुलर चीजें किसे नहीं पता होगी, लेकिन किसी से आप पूछना ना कि ये जो डिप्रेस्ड प्लैनेट है प्लूटो इसके कितने मून है तो कोई नहीं बता पाएगा। जिप कोड फुल फॉर्म, अपने पिन कोड तो सुना ही होगा, अपने जिप कोड भी सुना होगा। पिन कोड का फुल फॉर्म हम लोग सब ने स्कूल में पढ़ा है, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, पिन कोड किसी भी जगह का। जिप कोड भी ऐसा ही होता है, जिप कोड ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में कहा जाता है जिप कोड। तो आप ये बताओ जिप कोड हम लोग अलग अलग जगह पे फॉर्म में भरते भी है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जिप कोड का फुल फॉर्म है जोन इम्प्रूवमेंट प्लान जिप कोड। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि जिप कोड का मतलब जोन इम्प्रूवमेंट प्लान होता है। वाओ, कौवे का पैर बिलो योर आईज। जब इंसान बूढ़ा होता है तब उसके चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं। इन रिंकल्स का एक दूसरा नाम भी है क्राउज फीट, यानी कौवे का पैर। अब ये क्यों है नहीं पता, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में गए और कहे कि अरे आपका तो क्राउज फीट कुछ ज्यादा ही दिख रहा है तो वो समझ जाएंगे। हाँ हाँ, अजीब फैक्ट है ये, लेकिन पता होना चाहिए हमें कि जो बूढ़े लोगों का रिंकल्स होता है उसे क्राउज फीट कहते हैं। केला इज द रियल किंग। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे धरती पे सबसे वाइडली कंज्यूम्ड फ्रूट कौन सा है, यानी जितने फल है केला सेब अनार ऑरेंज ये सब, इन सब में से धरती पे टॉप पे कौन है? ये फैक्ट जानने के पहले मैंने बस गेस किया था कि ये केला होगा, क्योंकि केला मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब केला इजी है, छीलो खा लो। और आंसर भी यही निकला, वर्ल्ड वाइड हर साल एनुअली 100 बिलियन केले पॉपुलेशन खा जाती है। पॉपुलेशन धरती की 8 बिलियन है, यानी 800 करोड़, लेकिन केला बिकता है 10,000 करोड़। मैंगो का यही नंबर 7,000 करोड़ के आसपास है, और ऐसे बाकी सब नीचे आते हैं, लेकिन केला टॉप पे आता है। द मिस्ट्री ऑफ टीवी पिकअप। टीवी पिकअप ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, जब इंटरनेट वगैरह उतना पॉपुलर नहीं था तब टीवी शोज पे लोग एकदम टाइम पर बैठ जाया करते थे ताकि एक भी सीन मिस ना हो जाए। तो वर्ल्ड भर में क्या होता है कि जब भी कोई प्राइम टाइम का टीवी शो आता है सब बैठ के देखते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, तब एक फेनोमेनन होता है जिसे टीवी पिकअप कहते हैं। वो फेनोमेनन क्या है? वो फेनोमेनन ये है कि जब शो चल रहा होता है, टीवी चल रहा होता है सबके घर में, तब तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन फिर क्या होता है, इवेंचुअली एड्स आ जाता है टीवी में, 5-6 मिनट के लिए एड आता है। तब क्या होता है, पूरे देश भर का जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड होता है उसमें एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, क्योंकि जब एड चल रहा होता है तो सब अपना केटल यूज कर रहे होते हैं कॉफी कुछ शेक या कुछ बनाने के लिए लिक्विड वाला। तो जब लोग केटल यूज करते हैं तो अचानक से पावर सर्ज हो जाता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है वहां पर उनको इंक्रीज्ड यूजेस दिखता है। जैसे एड आया वैसे ही यूजेस बढ़ जाता है अचानक से बहुत हाई मात्रा में, और जैसे एड खत्म होता है सब अपने रूम में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है जिसके ऊपर बहुत स्टडी भी हुई है, और इसी को टीवी पिकअप कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अचानक से किसी शो के एड में बढ़ जाना, ये काफी थॉटफुल फैक्ट था, लेकिन सही है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। वैसे हाँ, जब भी मैं भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो जो फर्स्ट मिनट होता है उसमें भी YouTube का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बढ़ जाता है आप लोगों के प्यार के चलते। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।